So Prime Minister Modi is launching an initiative for street vendors of India. Let's go to the inauguration event of this particular this one by the Prime Minister of India. PM Swanidhi Yojana ka laabh pahunchane mein bhi UP aaj number one hai pure desh mein. Shahri street vendors ke sabse zyada aavedan UP se hi aaye hain. Desh mein ab tak kareeb 25 lakh स्वनिधि ऋण के आवेदन मिल चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है. इनमें से 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन तो अकेले यूपी से ही मिले हैं, जिससे करीब 4.25 लाख आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई है. मैं यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी तत्परता से रेहड़ी ठेले वालों की चिंता कर रहे हैं. मुझे बताया गया है कि अब यूपी में स्वनिधि योजना के लोन एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है. यूपी में कोरोना के इस मुश्किल समय में 6 लाख रेहड़ी ठेले वालों को हजारों रुपयों की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है. इसके लिए भी मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं. साथियों, गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी. खुद घपले घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की है. लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है. पीएम स्वनिधि योजना के जरिए गरीब ने फिर एक बार एक सच्चाई को साबित किया है, देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है. आज देश में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना का लोन दिया गया है और अधिकतर अपना लोन समय से चुका भी रहे हैं. हमारे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स भी मेहनत करके कमाई भी कर रहे हैं और किस्त भी चुका रहे हैं. यह हमारे गरीब की इच्छा शक्ति है, यह हमारे गरीब की श्रम शक्ति है, यह हमारे गरीब की ईमानदारी है. साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपको बैंक से, दूसरी संस्थाओं से पहले भी जानकारी मिली है, यहां भी आपको इसके बारे में बताया गया है. इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाना जरूरी है. हम योजना में आपके लिए ऋण आसानी से उपलब्ध है और समय से अदायगी करने पर ब्याज में 7% की छूट भी मिलेगी. और अगर आप डिजिटल लेन देन करेंगे तो 1 महीने में 100 रुपये तक कैशबैक के तौर पर वापस भी आपके खाते में जमा होगा. यानी ये दोनों चीजें करने पर एक प्रकार से आपका जो लोन है ये पूरी तरह ब्याज मुक्त हो जाएगा, ब्याज फ्री हो जाएगा. और दूसरी बार इससे भी ज्यादा का ऋण आपको स्वाभाविक रूप से मिलना शुरू हो जाएगा. ये पैसा आगे आपको अपना काम बढ़ाने में, व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा. साथियों, आज बैंकों के जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बैंक आज जिस तरह से आप तक खुद चल करके आ रहे हैं, ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है.
ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति का इतने सालों का प्रयासों का परिणाम है। ये उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। साथियों, देश में जब गरीबों के जनधन खाते खोले थे तो कई लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े किए थे, मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही जनधन खाते इतनी बड़ी आपदा में गरीब के काम आ रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ाने में काम आ रहे हैं। आज गरीब बैंक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ा है। इतनी बड़ी वैश्विक आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़े हैं, उस संकट से लड़ने में जीतने में आज हमारे देश का सामान्य मानवी बहुत आगे है। आज हमारी माताएं बहनें गैस पर खाना बना रही है, लॉकडाउन के समय भी उन्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ा, गरीब को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सौभाग्य योजना के कारण घर में बिजली कनेक्शन मिला है, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज बीमा योजना का कवच भी गरीबों के पास है, गरीबों का समग्र विकास, उनके जीवन को लेकर एक समग्र प्रयास आज ये देश का संकल्प है। आज इस अवसर पर जितने रेहड़ी पटरी दुकानदार, जितने भी श्रमिक मजदूर किसान आज जो साथ जुड़े हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश आपके व्यवसाय को, आपके कारोबार को, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। साथियों, कोरोना की तकलीफों का जिस मजबूती से आप सबने सामना किया है, जिस सावधानी से अब आप बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी इस सजगता से, इस सावधानी से देश जल्द ही इस महामारी को पूरी तरह से हराएगा। मुझे विश्वास है जल्द ही हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। और हां, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये मंत्र हमें त्योहारों के मौसम में जरा ज्यादा ध्यान रखना है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके जीवन में बहुत प्रगति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।